एक ही समस्या होती है और वो ये होती है कि इतना सारा कंटेंट तो है लेकिन उसमें से क्या देखें और क्या नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट वेब सीरीज और मूवीज जो आपको देखनी चाहिए और जो नहीं देखनी चाहिए उसके बारे में बात करके फिर देखिए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वेब सीरीज की। तो सबसे पहली वेब सीरीज जो है वो है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। बेसिकली वेब सीरीज जियो मूवीज पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये कहानी एसटीएफ के हेड के ऊपर है जो बेसिकली यूपी के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया जाता है। और ये कहानी बहुत बढ़िया है और काफी सारे अलग अलग एंगल्स और बहुत सारी अलग अलग चीजों को दिखाया गया। अगली वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं तो वो है दहाड़। दहाड़ एक बहुत बढ़िया स्टोरी है और इसके अंदर बेसिकली जो सीरियल किलर होता है वो काफी सारे मर्डर कर रहा होता है, लेकिन इस तरीके से कर रहा होता है कि वो लगता है कि वो सुसाइड केस। और बाकी अब बात करते हैं मूवीज की। तो मूवीज में सबसे पहले जो आती है वो है कटहल। और कटहल मूवी एक स्वीट एंड सिंपल स्टोरी है जो कि कॉमेडी बेस्ड है। होता यह है कि एमएलए के यहाँ से दो कटहल चोरी हो जाती है, उसके ऊपर पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर महिमा बोसोर क्या करे इसके बारे में सोचती है और बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है जो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगली मूवी की बात करते हैं तो वो है भेड़िया। इसमें होता है कि वरुण धवन को एक भेड़िया काट लेता है और भेड़िया के काटने के बाद वो भी भेड़िया बन जाते हैं और फिर जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो एक बहुत बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है। उससे पहले कहानी को ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आता है, तो अगर आपको उसके मजा आ रहा हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और ये भी अवेलेबल है जियो मूवीज पे फ्री में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है भीड़। बेसिकली इस मूवी में भी कुछ खास नहीं था, बट वही लॉकडाउन का जो इवेंट है जिस टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं अपने गाँव की तरफ, उनके पास कोई चीज कोई सहारा या कोई भी चीजें नहीं होती है और फिर भी वो खुद पैदल ट्रेवल करते हैं और कुछ और अदर अदर वे से ये चीजें करते हैं। तो उसके ऊपर ये कहानी है और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। राजकुमार राव और बहुत सारी कास्ट है इसके अंदर और बहुत सारा मजा आएगा आपको इसे देखने के बाद। थोड़ी सी डिप्रेस्ड कर देती है बट काफी अच्छी कहानी है और आपको दिखा। अगली मूवी जो है वो है सिर्फ एक बंदा का। इसीलिए स्टोरी को मैंने रात के 2 बजे देखा। ये भी रियल स्टोरी के ऊपर है जो कि आसाराम बाबा के ऊपर है जो उसके ऊपर केस हो जाता है दिल्ली में और एक लड़की इन पे केस कर देती है जो कि बालिग भी नहीं होती। और इसके ऊपर जो केस चल रहा होता है उसके ऊपर पूरी कहानी है बेस्ड है। और मनोज बाजपेयी ने जो काम किया तब बढ़िया काम किया। और सबसे मजा तब आता है जब क्लोजिंग स्टेटमेंट दी जाती है एंड टाइम पे, तो बहुत मजा आता है इसको देखने में क्योंकि अलग सी कहानी सुनाई गई है इसके ऊपर, जो ये पिक्चर भी आपको काफी मजा देगी और एंटरटेन करेगी। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए देखते रहें मूवी।